सब्सक्राइब करें एम अकाउंटिंग सॉल्यूशन को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो आज इसकी वीडियो में हम लेटेस्ट टैली डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए हमने गूगल में जाना है, तो शुरू से बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये गूगल ओपन है तो यहाँ पे आपने लिखना है टैली ERP 9 लिख दीजिए। तो जब ये लिखेंगे तो ये देखिए टैली सॉल्यूशन, ये जो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद हम यहाँ आ गए, तो जो ये लेटेस्ट टैली का रिलीज चल रहा है 6.4.9 चल रहा है, तो इसको हमने डाउनलोड करना है। तो ये जो डाउनलोड करेंगे एजुकेशनल पर्पज के लिए है, सीखने के लिए है, तो यहाँ डाउनलोड फॉर लेटर कर देंगे। तो इसके बाद ये देखिए 84 MB की ये दिखा रहा है। इसके बाद इसको आपने स्टार्ट कर देना है, डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये हमारा मतलब सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है इतना। तो यहाँ ये जो है ये हमारा ड्राइव है। ड्राइव किसे बोलते हैं, ये देखिए माई कंप्यूटर में गए, ये देखिए सी ड्राइव, ई ड्राइव, ये है ना। तो ये एफ ड्राइव है, तो एफ में मैंने इंस्टॉल करना है। तो एफ, यहाँ पे हम एफ लिखेंगे, एफ टैली ERP 9 के नाम पे फोल्डर पे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको इंस्टॉल कर देना है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये डन कर देना है। तो ये देखिए ओपन होने लग जाएगा। तो ये जो इंस्टॉल किया है ये क्या है, एजुकेशनल वर्जन है मेरे पास, मैंने खरीदा तो है नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे वर्क कैन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे। तो ये देखिए सामने इंस्टॉल हो गया और ये कंपनी अपने आप ओपन होगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई थी, तो वही शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.4.9 रिलीज आ चुका है। तो अब हम इस पर कंपनी ही क्रिएट करना सीख लेते हैं। जैसे यहाँ से आप इसको शट कंपनी कर दीजिए और यहाँ से ये देखिए क्रिएट पे चले जाइए। तो ये डायरेक्टरी जहाँ पे अपनी जो कंपनी सेव होगी वो डायरेक्टरी है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं ऐसे बैक करके, इसको स्पेस कर दीजिए। बैक स्पेस दबाया डायरेक्टरी पे आ गया और इसको स्पेस दबाया तो ये ख़त्म हो गया। तो इसको कहाँ, माई कंप्यूटर पे गए, इसमें अकाउंट्स में गए, टैली ERP में गए और यहाँ पे एक बना लीजिए डाटा, ठीक है ना। और इसको यहाँ से ऐसे करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे Ctrl Alt V कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे अपना ये जो कंपनी बना रहे वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो ये टैली डेमो के नाम पे हमने लिख लिया, यहाँ पे स्टेट पंजाब। तो जो भी है फोन नंबर वगैरह, कब बुक्स बिगेन करना है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होगा, ये कब से बुक्स हमने लिखनी है वो आपने डालना है, आपने वो डेट डालनी है जहाँ से आपने बुक्स लिखनी शुरू करनी है। यहाँ पर पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं, मैं नो करके एंटर करके इसको सेव कर लिया, ये हो गया। तो इसके बाद अगला ऑप्शन होता है इसमें GST एनेबल करना, तो उसके बगैर आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ लोगों के पास तो GST नंबर नहीं होता ना, तो आइटम क्रिएट करना सिखा देता हूँ। ये देखिए इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, यहाँ पे स्टॉक आइटम पे जाना है, फिर यहाँ पे क्रिएट कर देना है Item No. 1, जो आपके पास होगा वो आइटम क्रिएट कर देना है, जैसे पेन, पेंसिल, हल्दी, नून, नमक, जो भी हो। तो यहाँ पर अंडर ये प्राइमरी में रख रहा हूँ, तो यूनिट्स इसमें यहाँ पे
ऑल्ट सी करके क्रिएट कर सकते हैं, जैसे KGS, ठीक है ना, KG हो गया, नंबर ऑफ डेसिमल कितने में हो सकता है ये, ऐसे मतलब यहाँ पे चाहे पीस पे भी कर सकते हैं, पीस पीस कर दीजिए, पीस सी एस कर दीजिए, ठीक है, इसको सेव कर लीजिए और इसको यहाँ से सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो GST के ऑप्शन नहीं आई, तो वो ही मैं आपको दिखाना चाहता था। ऑल्टर में जाके देख लीजिए यहाँ पे, तो वो यहाँ पे GST के मतलब वो ऑप्शन, GST का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये देखिए फीचर्स में जाना है, स्टेचरी एंड टैक्सेशन में जाके यहाँ पे GST Y कर देना है। तो जिसके पास GST नंबर है वही यस करेगा, जिसके पास GST नंबर ही नहीं है तो वो जैसे मैंने आपको बताया था वहीं से काम शुरू हो जाएगा आइटम क्रिएट करके। तो यहाँ भी यस करके यहाँ पे सब कुछ फिल कर देना है। तो यहाँ पे GST नंबर, तो ये मैं गलत नंबर डाल रहा हूँ वैसे सिखाने के लिए। ये GSTR1 मंथली अगर जैसे भी आपकी जाती है वो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ई वे बिल अगर एप्लीकेबल है तो उसकी वैल्यू वगैरह ये डाल के इसको Ctrl A कर दीजिए, यहाँ भी Ctrl A कर दीजिए। तो अब देखिए क्या फ़र्क पड़ा है, इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम क्रिएट आइटम नंबर 2, तो प्राइमरी में इसको पीसीज किलो जो केजी जो भी है अल्ट सी के साथ यहाँ से आपने क्रिएट कर लेना है। मैंने पीसी में, अब ये देखिए सेट अल्टर GST, इसको वाई करके ऑन वैल्यू कर देना है, टैक्सेबल करके यहाँ से ये देखिए रेट टैक्स हिस्ट्री यहाँ पे क्लिक करके ना 1/4/18 जब से मतलब एप्लीकेबल हुआ है वो लिख के, ये जो आपका मतलब HSN कोड डाल देना है, फिर इसको ऐसे करके सेट अल्टर टैक्स डिटेल, तो यहाँ इंटीग्रेटेड 18% ये देखिए ऐसे, फिर इसके बाद Ctrl A कर दे के इसको सेव कर लेना है। तो आइटम क्रिएट कर लिया है। अब उसके बाद हमने कस्टमर का अकाउंट भी क्रिएट करना होता है, जैसे अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट जैसे, ठीक है ना, जैसे कस्टमर, हमारा जो कस्टमर है जैसे उसका खाता है BR इंडस्ट्री JR एग्रो जो हमारा ग्राहक होगा उसका, और यहाँ पे हमने सन्ड्री डेटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारा आपने पूरा लिख के पिन कोड जो भी है वो डाल देना है यहाँ पे। रेगुलर अगर उसके पास GST नंबर है तो रेगुलर होगा, अगर GST दूसरे कंपोजिशन वाला भी नंबर होता है और रेगुलर वाला भी, दो तरह के GST नंबर होते हैं। तो जो जिस प्रकार का कस्टमर के पास GST नंबर है वो आपने डालना है, तो यहाँ पर फिर उसका GST नंबर डाल देना है, ठीक है। ये ऐसे मैं डेमो के लिए डाल रहा हूँ, तो इसके बाद इसको सेव कर लेना है। तो हमने कस्टमर क्रिएट कर लिया है, उसके बाद और कर लेते हैं। देखिए फिर अकाउंट इन्फो में लेजर में सप्लायर भी क्रिएट कर लेते हैं जिससे हमने सामान खरीदना है, ठीक है ना, जैसे नेहा नेहा इंडस्ट्री से हम सामान खरीदते हैं, फिर उसको आगे बेचते हैं, यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारा डाल के। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट यहाँ पे लिख देते हैं, प्रकाश सिंह ये प्रोप्राइटर है, ठीक है ना, चाहे इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रोप्राइटर, ठीक है ना, प्रोप्राइटर ये मान। तो यहाँ पे अब आएगा कैपिटल अकाउंट, तो इसको भी ऐसे करके सेव कर दीजिए, ये हो गया। अब सबसे पहले कैश चाहिए बिजनेस में, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में F यहाँ से 1/4/18 को F7
सिक्स करेंगे तो ये देखिए रिसीट में आ जाएगा, F6 करना है। इधर सारे शॉर्टकट लिखे होते हैं, आपने ये देख लेना। यहाँ पे कैश करके प्रकाश सिंह, ठीक है ना, एक आ गया कैश इन्वेस्ट। बिजनेस, ठीक है ना। तो मैं कोई बहुत बड़ा अकाउंटेंट नहीं हूँ, तो जितना मुझे आता है तो उस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं भी वैसे तो काम अकाउंट्स का ही करता हूँ, तो मेरे से भी बहुत ऊपर ऊपर बहुत बड़े बड़े अकाउंटेंट भी बैठे हुए हैं, तो उनका सिखाने का अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका है। तो कैश इन्वेस्ट कर लिया है, तो उसके बाद हम परचेज कर लेते हैं, सामान खरीद लेते हैं, फिर उसको बेचेंगे। फिर क्या करना है, ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ पे देखिए परचेज ये लिखा ना, शॉर्टकट F9 दबा दीजिए, और यहाँ पे आपने सब जो आपको बिल मिला है वो बिल नंबर लिख लेना है। यहाँ पे डेट डाल लेनी है जितनी तारीख का बिल है परचेज का, ये देखिए नेहा इंडस्ट्री से ख़रीदा है। फिर कंट्रोल ए कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे परचेज का लेजर, ठीक है ना, वो किस अकाउंट में जाना चाहिए, तो ये देखिए ऑल्ट सी कर दीजिए यहीं से। ठीक है, परचेज अकाउंट्स, इसके बाद इसको आइटम, ठीक है, 10-200 के हिसाब से, तो यहाँ पे ऑल्ट सी कर दीजिए टैक्स CGST, तो यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस कर देना है, GST है। ये कौन सा वाला टैक्स है, ये सेंट्रल टैक्स है, तो राउंडिंग नहीं किया तो ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे टैक्स नहीं लगा, कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे देखेंगे क्यों नहीं टैक्स लगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने टैक्स एप्लीकेबल नहीं किया था ना, इसलिए नहीं लगा। ये देखिए रेट रूट नहीं डाला, यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे दबाएंगे तभी वो ऑप्शन आएगी ना, HSN, ये ऐसे ही मैं डाल रहा हूँ HSN। तो ये देखिए 12% लगा देते, इसको कंट्रोल ए कर लीजिए, और ये देखिए अब टैक्स लगेगा, वो देखिए लग गया ना। अब फिर यहाँ से SGST का अकाउंट, यहाँ पे ऑल्ट सी कर दीजिए और लिख दीजिए SGST, और यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स GST, और ये स्टेट लोकल टैक्स होता है, और इसको भी सेव कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ इसको देखिए परचेज का बिल एंटर हो गया, और देख लेते हैं वो एंट्री अकाउंट चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, क्या क्या किया हमने। सबसे पहले तो खरीदा है ना, गुड्स खरीदा है नेहा इंडस्ट्री से ख़रीदा, तो इसके 2240 रुपये क्रेडिट हो गए, इसके देने वाले हो गए। तो परचेज अकाउंट, 2000 रुपये का सामान हमारे पास पड़ा है, हम इसको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और SGST, जो 2000 का सामान खरीदा उस पर 120 रुपये का SGST हमने पे किया, और CGST 120 रुपये का CGST पे किया है। इस जो जो अकाउंट इफेक्ट हुए वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, CGST हो गया, SGST हो गया, और नेहा इंडस्ट्री दिखा दिया, और परचेज का भी अकाउंट आपको मैंने दिखा दिया। अब उसके बाद होता है नेक्स्ट, क्या स्टेप है हमारा, हमने इसको बेचना है, सेल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर, तो यहाँ पे सेल देखिए ये F8 सेल यहाँ पे दबा देना है। तो सेल कितनी तारीख को कर रहे हैं, ये 2-4 को, यहाँ पे किसको कैश सेल कर देते हैं पहले में, ठीक है ना, कंट्रोल ए। तो यहाँ पे सेल का लेजर बनाना है कि जो सेल करेंगे वो हमें पता तो लगे कि हमने कितने की सेल की है। यहाँ से ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे सेल लिख देंगे सेल्स, ठीक है ना, एंटर एंटर कर दीजिए। फिर ये क्या हमारे पास, ये 10 पीस पड़े हैं, एक बेच दिया 20 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे टैक्स भी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है जी।
एंटर एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। ये हो गया, ये तो हो गया नगद की सेल। एक उधार की सेल भी कर लेते हैं सेम डेट में, या ऑल्ट सी कर दीजिए। और यहाँ पे ये ऑल्ट सी करेंगे तो लेजर क्रिएशन पे आ गया। यहाँ पे हम लिख पार्टी का नाम लिख देते हैं, रोहन एंड कंपनी ये लिख दिए हैं। सन्डी डेटर कस्टमर है ना, तो यहाँ मीन इसको यस करना कर दीजिए। इसको ये पेमेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह डाल के उसका जीएसटी नंबर वगैरह जो भी है कस्टमर का वो डाल के इसको सेव कर लीजिए। फिर कंट्रोल ए कर दीजिए, ये लेजर अकाउंट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया दो करके, हम 30 के हिसाब से भेज देते हैं। और यहाँ पे CGST SGST, तो ये हो गया, ये सेव कर लेते हैं। एक हम इंटर स्टेट की भी सेल कर देते हैं, मतलब जो हमारा स्टेट पंजाब है उससे बाहर की सेल कर देते हैं। तो फिर आप F2 करके डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस तरीक को आपने बेचना है। तो ऑल्ट सी किया, फिर लेजर क्रिएट किया, फिर यहाँ पे राम इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे संडी डेटर होगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे पंजाब नहीं होगा, यहाँ दिल्ली कर देते हैं, ठीक है ना। और ये रेगुलर यहाँ पे जो भी है जीएसटी नंबर वगैरह वो डाल लीजिएगा, इसको सेव कर लीजिए। अब ऑल्ट ए सेल पे चला गया। ये तो देखिए ये लो सेल है, अगर इसको मान इसको कंट्रोल एंटर करेंगे ना, इसको जैसे सेल है इसको आप सेल लोकल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लोकल कर दीजिए, मतलब ये सारा पंजाब के अंदर सेल होगी, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। अब सेल लोकल पे नहीं जाएगा, अब जाएगा या ऑल्ट सी कर लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सेल सेंट्रल, ठीक है। सेल्स अकाउंट सेव कर लीजिए। अब सेल्स सेंट्रल, क्योंकि राम इंडस्ट्री जो है दिल्ली की है, इसलिए ये सेल सेंट्रल पे जाएगी। तो इसके बाद आइटम यही 230 रुपये के हिसाब से। अब यहाँ पे CGST लगा के देखिए, नहीं लगा। SGST लगा के देखिए, नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगेगा IGST। तो यहाँ ऑल्ट सी करना है, IGST लिख देना है। यहाँ पे टैक्स हमारा है, तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये GST है, पर ये कौन सा टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है जी। अब देखिए आ गया ना टैक्स IGST। तो इसको क्या करना है, ये टैक्स आपके सामने, देखिए इसको सेव कर लीजिए। अब थोड़ी बिल देख भी लेते हैं, बिल जो बनाए शक्ल देख लेते कैसे बिल बने हैं। फिर उसके लिए DAL करेंगे और यहाँ पे सेल्स, ठीक है ना। सेल सेंट्रल, सेल लोकल, सेल लोकल वाला देख लेते हैं। फिर इसको एंटर करके ऑल्ट पी करेंगे, फिर एंटर करेंगे। ये यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग की सेटिंग होने वाली है। ऑल्ट पी, ये देखिए यहाँ पे प्रिंट विद प्रीव्यू, ठीक है ना। इसको यहाँ पे दबा दीजिए। अब फिर इसको एंटर कीजिए, तो ये देखिए ऑल्ट जेड कीजिए। ऑल्ट जेड करने पे ये देखिए अच्छा बिल अच्छा बन के आया ना, ये देखिए सारा कुछ आ गया है। ये देखिए HSN कोड भी आ गया है, सब कुछ ओके है। अब इसके बाद फिर स्केप कीजिए। अब सेंट्रल का भी देख लीजिए, सेंट्रल एंटर, ऑल्ट पी एंटर, ऑल्ट जेड। तो ये देखिए ये IGST भी टैक्स लग गया है, तो ठीक है ना। ये 12% IGST लगना था, तो IGST लग गया। तो ये बिल है, ये प्रिंट निकालिए, इसको साइन करके अपने कस्टमर को दे दीजिए। स्केप कीजिए, ठीक है। सेल हो गया, परचेज हो गया, कैश एक इन्वेस्टमेंट कर लिया हमने। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हमने, जिससे अब कस्टमर से पैसे रिसीव कर लेते हैं ना, रिसीव कर लेते हैं पैसे। तो ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ देखिए रिसीट लिखा हुआ है F6, इस पे दबाइए। यहाँ पे कैश लिखिए,
फिर उसके बाद अब ये किससे पैसे आए, कस्टमर कौन था हमारा, ये रोहन एंड कंपनी, ये देखिए इतने रुपए इससे लेने वाले हैं, तो ये 67 रुपीज़ आ गए, ऑन अकाउंट कर लीजिए इसको, और इसको जो भी है नरेशन अपना लिख के इसको सेव कर लीजिए। ये हो गया, और देख लेते हैं पैसे लेने देने वाले, ठीक है ना, उसको ट्रायल में देखना होता है। डिस्प्ले में जाना है, ट्रायल बैलेंस में, ये देखिए ये आ गया ना पैसे लेने देने वाले, क्या क्या है, करंट लाइबिलिटी। अब जैसे आए, अब देने, ये देखिए किस पैसे किसके देने, सन्ड्री क्रेडिटर नेहा इंडस्ट्री के 2240 देने हैं, क्योंकि हमने कुछ खरीदा भी था ना, तो उसके लिए फिर अकाउंटिंग वाउचर। अब यहाँ पे ये देखिए ये पेमेंट लिखा है, इसको दबाइए, और यहाँ पे कैश और नेहा इंडस्ट्री, ये कितने रुपए देने हैं, 2240 देने हैं ना, तो 1000 रुपये हमने कैश दे दिए है नरेशन लिख के, आप इसको सेव कर लीजिए। और है, ये हो गया, अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप कीजिए, यहीं पे खड़े हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, ऑल्ट सी कीजिए, और यहाँ पे बैंक बना लीजिए अपना, यूको बैंक बना लिया, बैंक ले लीजिए यहाँ पे, बैंक अकाउंट्स, ठीक है ना, और इसको तो यूको बैंक है, 2 अप्रैल को हम पैसे दे रहे, पेमेंट कर रहे नेहा इंडस्ट्री, तो कितने देने हैं, 1240 रुपये, तो 1240 हमने बाई चेक पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे आप चेक नंबर नरेशन पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे जो भी नंबर है 6, तो इसको सेव कर लीजिए। ये हो गया, तो बैंक से भी अब एक और एंट्री कर लेते हैं, देखिए अकाउंटिंग वाउचर, इसी में रिसीट, रिसिप्ट में
यूको बैंक से बाई चेक से सैलरी देंगे या तो देंगे कैश से, ठीक है ना। तो अभी कैश से मैं डाल के एक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट करना है, सैलरी अकाउंट तो है नहीं, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सैलरी, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा ये, क्या यार इसको 10, ये 8,000 कर देता हूँ, ठीक है ना। ये बस यहाँ पे नरेशन लिख देना है जिसको भी दिया है, साथ में नाम लिख के सेव कर लेना है। एक और यूको बैंक से जैसे दिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो ऐसे ही चेक नंबर वगैरह लिख के नरेशन लिख के सेव कर देना है। तो ये भी हो गया है, तो सैलरी भी हो गया। अब उसके बाद क्या है, रिटर्न देख लेते हैं। जीएसटी एर की रिटर्न भी तो भेजनी होती है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले में, ठीक है, स्टैचरी रिपोर्ट्स में जाएंगे। ये देखिए GST 3B, तो ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के रिटर्न दिखा रहा है, पर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो ये देखिए, ये इनकम्प्लीट मिसमैच, इसे ठीक करना होता हमें। इसको एंटर कीजिए, टैक्स रेट नोट स्पेसिफाइड बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये सैलरी पे बता रहा है, सैलरी पे तो टैक्स लगेगा नहीं ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। सैलरी कैश बैंक, ठीक है ना। एक इनमें से किसी में टैक्स एप्लीकेबल हो गया GST, तो वो कैश पे क्या है, नहीं है, ठीक है ना। यूको बैंक में एप्लीकेबल है टैक्स, दिखाता है। सैलरी पे ही है चक्कर, ठीक है ना, सैलरी पे। ये देखिए यहाँ पे नोट एप्लीकेबल, नोट एप्लीकेबल, इसको सेव कर लीजिए। अब सही दिखाएगा डिस्प्ले में, स्टैचरी GST 3B। तो ये देखिए कुछ, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे तो ये हमारी रिटर्न है, देखिए 140 की सेल किया है, इतने इतने रुपए टैक्स टुक्स बने हमारे, ठीक है ना। ऐसे ही ये देखिए यहाँ पे भी आ गया, ये अपना परचेज पे, इस पे एंटर करिए, फिर यहाँ पे एंटर कीजिए। तो ये हमने नेहा इंडस्ट्री से परचेज किया है, तो 3B में गए। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पीरियड आपने F2 करके सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी रिटर्न बनने वाली है। तो वो पीरियड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर एक्सपोर्ट रिटर्न आ जाएगा। तो GST नंबर इनवैलिड बता रहा है, इसको मैंने Y कर दिया, देखते हैं होगा या नहीं, डेमो हुआ, यस कर दिया, देखते हैं क्रिएट होगा। अगर ओरिजिनल वाला होता मेरे पास टैली, जैसे जहाँ मैं वर्क करता हूँ वहाँ पर तो ओरिजिनल टैली है, तो वहाँ तो मेरे को पता है सा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है, डेमो में ही होता है कुछ मतलब। तो एक्सपोर्ट रिटर्न डिटेल, डिटेल डिटेल यहीं से करना होता है यार, ऑप्शन आ जाती है। तो अभी नहीं आ रहा है ये, डेमो करके नहीं आ रहा है, फिर इसका मैं सीधी सी बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बस यहाँ पे हमने क्या एक्सपोर्ट करेंगे ना, जो आपके पास ओरिजिनल टैली होगा ना, ये तो एजुकेशनल है, तो उसके बाद ऑप्शन आ जाएगी एक्सपोर्ट, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है या अपने जेसन फाइल, तो आपने जेसन फाइल पे कर देना है। तो उसके बाद लोकेशन पूछेगा कहाँ करना है, या टेली के अंदर ही, यहाँ अंदर ही हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं पे कहीं पे जेसन की फाइल आ जाएगी। तो वही फाइल आपने गवर्नमेंट की पोर्टल पे वो अपलोड कर देना है। तो ये हो गया। तो कैसे अपलोड करना है वो गवर्नमेंट की पोर्टल पे, वो आप मेरी मतलब वीडियो है वहाँ पे, आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगी, रिटर्न कैसे अपलोड करना है जाके GST की पोर्टल में। फिर GST 2 देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर नहीं, सॉरी 2 बोल दिया मैंने, GST 1। तो यहाँ पे भी GST 1 पे कुछ नहीं दिखा रहा है ये। अच्छा, दिखाना तो चाहिए ना इसको। हाँ, ये इनकम्प्लीट मिसमैच, इसको सही करना पड़ेगा। इसको एंटर किया,
ये जीएसटी नंबर वगैरह गलत है बोल रहा है, ठीक है ना। इसको मैं वैसे ही कर रहा हूँ, इसको आपने ठीक करना है, इस चीज़ को टैली बता देता है, ठीक है ना। तो ये देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, आपने अगर गलत बता रहा था, आपने अपने जो जो एरर मतलब दिखा रहा है उस चीज़ को ठीक करना है, तो ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लेना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा काम। तो मैं तो वैसे ही बता कर रहा हूँ। तो ये देखिए अब अभी भी नहीं हटा। हाँ, अच्छा ये यहाँ पे भी, ये ओके। अब देखते हैं, ये देखिए आ गया ना। तो ये मैंने आपको लाइव अनकट वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकली मतलब जो काम करे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और उस दिक्कत को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका क्या समाधान है, सारा कुछ आपको ऐसे ही पता चलेगा। तो ये देखिए रिटर्न हमारी ये भी बन गई है, अब इसके बाद भी यही एक्सपोर्ट करना होता है, तो इसको यस करूँगा। मेरे ख्याल से ये भी होगी नहीं जो एजुकेशनल है ना, इसलिए तो इसको यस किया, तो ये भी नहीं हुआ है। तो ये इसमें फोल्डर में देख लेते हैं, ये देखिए टैली जहाँ इंस्टॉल किया ये भी नहीं हुआ, डाटा के अंदर देख लेते हैं, नहीं हुआ तो ठीक है, ये डेमो पे नहीं होता है। तो बस आपने भी यहीं पे एक्सपोर्ट करना है, तो जेसन फाइल सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना है। एक्सपोर्ट होने के बाद वो फाइल सामने आ जाएगी, उसको फिर जीएसटी की वेबसाइट में जाके आपने वो कर देना है, क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।